प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला जिला चिकित्सालय में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर कुल 50 करोड़ 75 लाख की लागत से कुल 9 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसमें 45 करोड़ 56 लाख की लागत से 6 परियोजना का लोकार्पण तथा 5 करोड़ 19 लाख की लागत से 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पित परियोजनाओं में 100 शैया युक्त MCH विंग महिला चिकित्सालय, 100 बेड TB हॉस्पिटल का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अराव जगदीश उरवा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरौली चौरी चौरा एवं गघा में मिनी PICU की स्थापना तथा शिलान्यास परियोजनाओं में जिला चिकित्सालय में MRI मशीन की स्थापना, जिला महिला चिकित्सालय में OT उच्चीकरण मॉड्यूलर OT की स्थापना तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में OT उच्चीकरण मॉड्यूलर OT की स्थापना शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने JEES रोग की रोकथाम संबंधी पुस्तक तथा इसकी कार्य योजना संबंधी पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लोकार्पित 100 शैयायुक्त MCH विंग एवं 100 शैयायुक्त क्षय रोग सह सामान्य चिकित्सालय व 3 मिनी PICU महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में काफी उपयोगी होगा। इन स्वास्थ्य सुविधाओं में केवल जनपद गोरखपुर ही नहीं बल्कि नेपाल, बिहार एवं बस्ती, आजमगढ़ आदि मंडलों के जनपदों के मरीज लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि 100 शैया MCH विंग एवं 6 रोग सह समान चिकित्सालय का कार्य समय से पूर्ण हुआ है और जब योजना समयबद्ध ढंग से पूर्ण होती है तो रिवाइज एस्टीमेट की आवश्यकता नहीं होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बेहतरी हेतु प्रदेश अग्रणी भूमिका में है। उन्होंने कहा कि इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम में काफ़ी सफलता मिली है और आने वाले समय में इसे समूल नष्ट करने की दिशा में प्रबल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 25 फरवरी से पुनः JEE टीकाकरण का प्रथम चरण प्रारंभ होने जा रहा है। द्वितीय चरण 15 मई से 15 जून तक तथा तृतीय चरण 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बीमारी पर नियंत्रण पाने हेतु 5 विभागों जैसे पंचायती राज, स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, ICDS एवं आपूर्ति विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीमारी के प्रति जनमानस को सावधानी बरतनी चाहिए और इंसेफ्लाइटिस के लक्षण दिखते ही तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर इलाज प्रारंभ कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ माँ और बच्चा देश का धरोहर होता है। यदि समय से गर्भवती माँ व बच्चे का टीका लगवा दिया जाए तो दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि BRD मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया गया है। वहां किसी भी विषाणु जनित बीमारी की खोज हेतु रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वच्छता के दृष्टिगत 2,60,00,000 तथा जनपद गोरखपुर में 50,00,000 स्वच्छ शौचालय बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 11,00,000 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 8,60,000 परिवारों को शहरी क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदेश में 94,00,000 से अधिक परिवारों को दिया गया है। विद्युत आपूर्ति प्रदेश के सभी जनपदों को स्वभाव से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विकास हेतु स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा एवं विद्युत का होना आवश्यक है और प्रदेश सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि 100 शैयायुक्त MCH विंग का निर्माण प्रदेश के 35 जनपदों में किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर जनपद में प्रथम लोकार्पण किया गया है। शेष 20 अस्पतालों का लोकार्पण फरवरी माह के अंदर कर दिया जाएगा। मातृ शिशु दर सुधार के दृष्टिगत ये अस्पताल काफ़ी उपयोगी होगा। JEES की बीमारी के निदान में भी ये अस्पताल योगदान देगा। इंसेफ्लाइटिस बीमारी पर काफ़ी नियंत्रण पाया गया है। वर्ष 2017 से 2018 के बीच इस बीमारी में 58% की गिरावट आई है। मातृ एवं शिशु परिवार कल्याण मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतरी में निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु है। उन्होंने कहा कि परिवार तभी सुखी होता है जब स्वस्थ होता है। लोकार्पित अस्पताल में समस्त चिकित्सीय सुविधाएं एवं स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, संत प्रसाद फतेह बहादुर सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रशांत त्रिवेदी, NHM MD पंकज कुमार, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन आदि उपस्थित रहे। हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं हमारे कैबिनेट माननीय कैबिनेट मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं श्री सिद्धार्थनाथ
सीता बहुगुणा जोशी जी। और वो क्षण आ चुका है, हमारे बीच आज उपस्थित है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ। करजत ध्वनियों से उनका स्वागत किया जाए। हार्दिक खुशियां हो रही है हम सभी को, जोरदार तालियों से स्वागत करें प्लीज। आज हम सब बहुत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं जी। हमारे प्रभारी मंत्री जी भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं हम सब। आज हम सब यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं हमारे सभी जो भी अतिथिगण यहाँ हमारे मंच पर। आनंदपुर वासियों की पीड़ा को समझते हुए परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अब हम मैं आ पाए और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। असतो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मां मृतं गमया। जी हाँ, भारत की परंपरा है, हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कृपया कलकल ध्वनियों से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस दीप प्रज्वलन का के समय को यादगार बनाए। आप सभी से अनुरोध, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के अपने बहुत ही प्रिय सांसद परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर उपस्थित, उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे महापौर जी अग्रवाल जी जो यहाँ के विधायक हैं, मंच सभी हमारे विधायक गण, हमारे धर्म सिंह जी जो कि यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, और मंच पर हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय प्रशांत त्रिवेदी जी और NHM के हमारे MD पंकज कुमार जी, उपस्थित सभी जिला अधिकारी गण और उपस्थित यहाँ पर सभी देवियों सज्जनों बच्चों युवाओं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज एक MCH मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं इस बात से बहुत संतोष व्यक्त करती हूँ कि जब से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब से राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन को एक नया आयाम, एक नया रास्ता दिया गया और उत्तर प्रदेश जहाँ इस मिशन को सुस्त कर दिया गया था, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, जैसे ही यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहले अगर कोई काम किया तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने मातृ एवं शिशु कल्याण की ओर ध्यान दिया, मुझको जिम्मेदारी दी महिला कल्याण की, मातृ एवं शिशु कल्याण की, परिवार कल्याण की, और निरंतर इन्होंने खुद मॉनिटर किया, देखते रहे कि कहां किस चीज की आवश्यकता है। और अगर उन्होंने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया, जहां उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सक्रियता से सारे विभागों को लगाया, वही मैं इनको बधाई देती हूं इनकी दूरदर्शिता को कि इन्होंने सारे विभागों को जोड़कर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का काम प्रारंभ करवाया। उन्होंने ये जाना कि कोई एक विभाग इसको संभव नहीं है कि कर सके, और उन्होंने जनमानस को, आप सबको भी उसमें सम्मिलित किया। इनका उद्देश्य था कि हम बीमारी क्यों पढ़ने दें बच्चों को, क्यों हम ऐसी परिस्थिति करें, खड़ी करें जिसमें महिलाओं को चिकित्सा के लिए, हाँ प्रसव के लिए आना आवश्यक है, लेकिन बीमार होकर हमारी महिला को नहीं आना चाहिए। तो स्वस्थ महिला, स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु, ये उद्देश्य है सरकार का, और इसी के अंतर्गत अनेकों कार्य किए गए। बीमारी ना हो, सबसे पहले टीकाकरण शुरू किया गया, टीकाकरण के साथ साथ अस्पतालों का उच्चीकरण किया गया, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह पर काम तेजी से शुरू हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों ने तो सिर्फ इमारतें खड़ी करी पर उस इमारत में डॉक्टर नहीं, टेक्नीशियन नहीं, उसके अंदर नर्स नहीं, वार्ड बॉय नहीं, कर्मचारी नहीं,
हजारों हजारों पद रिक्त छोड़े और जो भरे भी तो इतनी बेमानी से भरे कि अदालतों ने उसको रद्द कर दिया। इसलिए ये साथ साथ सब काम चला और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जहां हम लोगों ने व्यापक टीकाकरण का काम किया वही सबसे अगर अव्वल टीकाकरण के क्षेत्र में भी जो अंतिम अभी चल रहा है MR मीजल्स रुबेला, इसमें जो सबसे अच्छा जनपद निकला है वो गोरखपुर निकला और गोरखपुर मंडल निकला है। 100% टीकाकरण MR में गोरखपुर में हो चुका है, देवरिया में 100%, बस्ती में 100% और महाराजगंज में 98% हो चुका है टीकाकरण में। बधाई आप सबको देना चाहती हूँ। अगर माए ना चाहे परिवार ना चाहे तो ये संभव नहीं था। जेई से लंबी लड़ाई लड़ी हमारे मुख्यमंत्री जी ने। जेई क्या है इसको जनता के सामने देश के सामने लाने वाले ही हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और उन्होंने दो चरणों में जिस तरह से जेई का टीकाकरण सभी विभागों को मिलाकर किया तो 2017 में 94 लाख और 2018 में 34 लाख लोगों को टीका देकर और जेई से बचाने का काम किया। अगर आपने देखा कि यही BRD जो पूरे देश की दृष्टि में होता था बच्चों की बीमारी जेई से लेकर मृत्यु को लेकर, इस बार इतनी अच्छा व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री जी अभी भी खुश नहीं है, बहुत कम हुआ है अब की बार भर्ती होना और बहुत कम हुई मृत्यु दर, लेकिन आपका कहना है कि अगले वर्ष तक 0 हो जाना चाहिए, एक भी बच्चा हमारे अस्पताल में नहीं आना चाहिए। उसके लिए आसपास के जितने जिले सब में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आप सबके साथ लेकर उन्होंने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया। मैं तो कहती हूँ गोरखपुर अब नजीर बन गया है पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए। अब गोरखपुर के रास्ते चलेंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं एक साल में इतनी बेहतरीन हो जाएंगी कि हम लोगों को लोग रेप्लिकेट करेंगे, ये मैं एक बहुत गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इसी के साथ हमने डायरिया के लिए 10 के लिए रोटा वायरस को समाप्त करने के लिए वैक्सीन चलाई, हमने निमोनिया से लड़ने के लिए वैक्सीन चलाया और 12 जिले खासतौर से जो तराई के हैं उनको हमने लिया क्योंकि वहां बच्चे निमोनिया से बहुत मरते थे। तो चाहे 10 हो, निमोनिया हो, जेई हो, MR हो, चाहे इंद्रधनुष के अंदर 6-7 बीमारियां हो, अब हम लोगों ने तेजी से काम किया है। NHM काम कर रहा है, हजारों हजारों लोग हर विभाग के लगे हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को हम भारत के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में लाकर रहेंगे। मैं आपसे ये भी क्या बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने बच्चों की सुरक्षा, आपको जैसे मालूम है कि अभी हमारा एक आपका ये अस्पताल हम समर्पित कर रहे हैं, 35 ऐसे 100 बेड के अस्पताल उत्तर प्रदेश में तैयार हैं और शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से उनके करकमलों से उसका उद्घाटन होगा। आजकल मैन पावर वहां लोगों की भर्तियां की जा रही हैं, साथ ही साथ 102 तो चलती ही है, 2202 चलती है, लेकिन एक नवीन चीज भी आ रही है उसको कहते हैं MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट। ये एक ऐसी यूनिट होगी जैसे आपकी एम्बुलेंस होती है बड़ी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ होगा, जांच भी होगी, डॉक्टर भी होगा, नर्स भी होगी और वो जगह जगह जाएगी। ऐसी 170 MMUs हमने मुख्यमंत्री जी के करकमलों से फरवरी के प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह में आपको समर्पित करने की तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ आपने देखा कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी के प्रयासों से किस तरह से एक हम लोगों ने अब ऑनलाइन आपकी मेडिकल फैसिलिटी भी शुरू कर दी है। तो हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं और ALS जो कि 150 शुरू हुए थे एडवांस लाइफ सपोर्ट वैन्स, अब उनको 100 और उसमें जोड़े जा रहे हैं ताकि आपकी सेवा कर सकें। मैं फैमिली प्लानिंग पे आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने आपसे बताया कि बच्चा बीमारी ना पड़े, कमजोर ना हो, मातृ मृत्यु दर ना हो, शिशु मृत्यु दर ना बढ़े, इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग अपने मिशन परिवार विकास को आगे बढ़ाएं। जब हम करते हैं बात फैमिली प्लानिंग की, परिवार नियोजन की, तो सीधे बात आती कि बच्चे ना हो। हाँ ये जरूर है कि अगर देश का आंकड़ा 2.1 प्रति वर्ष की ग्रोथ है बच्चे की, तो उत्तर प्रदेश के आंकड़ा अनुपात 2.7 है, लेकिन बहुत जनपद ऐसे हैं 53 जनपद जिनमें 3 के ऊपर
हमारा दर है, जन्म का दर है, इसको हमें कंट्रोल करना है। लेकिन मकसद ये नहीं है कि बच्चे ना हो, लेकिन अगर बच्चों के बीच में गैप नहीं होगा, दूरी नहीं होगी, तो न माँ स्वस्थ रहेगी, न बच्चा स्वस्थ रहेगा, ना परिवार प्रसन्न होगा, ना परिवार खुश होगा। इसलिए अगर आपसे कहा जाता है कि फैमिली प्लानिंग विधियों को अपनाइए, तो ये मत समझिए कि सरकार आपके खिलाफ है। सरकार चाहती है स्वस्थ परिवार हो। और अभी कुंभ में हमने लॉन्च किया है अपना पूरा एक पूरे जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमने सेवाएं दी हैं, और मैं आपको बताऊं 39 सेवाएं हैं, माँ से लेकर जो कि जिसके बच्चा होने वाला है उससे लेकर वृद्ध व्यक्ति तक, हर स्तर के लिए योजना है। तो इन 39 योजनाओं को आपको जानना चाहिए, नेट पे जाइए, अस्पताल में जाइए और जानकारी लीजिए। और इसी तरह से बच्चों को, कभी कभी बच्चे इतने कमजोर होते हैं कि मर जाते हैं, बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती, उसके लिए नवीन प्रयोग किए गए हैं। मैं आपको ये बताते हुए हर्ष होता है कि 2018-19 के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था कि चार तरह से बच्चों को बचाने के लिए चार तरह की केयर यूनिट होनी चाहिए। उनका नाम NBCC, NBSU, SMCU, NRC, यानी बच्चों को अलग अलग तरह, जो बहुत कमजोर है उसको कैसे रखें, जो कम कमजोर है उसको कैसे रखें, इस तरह के थे। और हम लोगों ने सोचा था कि 2876 एक साल में 2876 यूनिट हम बनाएंगे। और ये आपको जब बताते हुए खुशी होती है कि 2133 हमने डेढ़ साल में बनाकर खड़ी कर दी है। और ये केयर यूनिट हर अस्पताल में एक कोना होगा, उस कोने में बच्चे को आवश्यकता अनुसार उसकी देखभाल होगी, इसकी व्यवस्था की है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक और प्रयोग किया है, और उस प्रयोग को हम लोग कहते हैं कंगारू मदर केयर। कंगारू जानवर होता है ना, अपने बच्चे को सीने से लगाया रहता है, क्यों? क्योंकि जब बच्चा बदन से चिपकता है माँ के या किसी परिजन के, तो उसकी बदन की गर्मी बनी रहती है, संतुलन बना रहता है, और कमजोर बच्चे की जीने की बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कंगारू मदर केयर हमारी सरकार ने शुरू किया, और आपको बताते हुए खुशी होती है कि आज हर जनपद में कंगारू मदर केयर खड़ी हो गई है। अनेकों अस्पतालों में कंगारू मदर केयर का कॉर्नर है, जिसमें कि माँ को समझाया जाता है कैसे बच्चे को चिपका के रखना है, परिजनों को सिखाया जाता है। तो हर तरह का प्रयास कि बच्चा स्वस्थ हो, पैदा हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, अस्पताल में बच्चा पैदा होगा तो बच्चा जच्चा दोनों अच्छे रहेंगे। आज से 10 साल पहले आपको बताते हुए मुझे एक आपको आश्चर्य होगा, केवल 26% महिलाएं अस्पताल में बच्चा जन्मने के लिए जाती थी, प्रसव के लिए जाती थी, और आज 80% महिलाएं बच्चे के लिए, जन्म देने के लिए अस्पतालों में जाने लगी हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होने लगी है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारी, हम लोगों ने एक नई चीज और शुरू करी, हम लोगों ने सास बहु सम्मेलन शुरू किए, और उन सासों को हम सम्मानित करते हैं जो अपनी बहुओं को अस्पताल ले जाती हैं उनको उनकी डिलीवरी के लिए। हम उन सासों को सम्मानित करते हैं जो अपनी बहुओं की देखभाल करती हैं जब उनको प्रसव का समय होता है। तो बहू और सास के बीच में संबंध बनाना, एक और नई चीज शुरू करी हम लोगों ने, और वो है हौसला साझेदारी। हौसले साझेदारी में अब पहले ये था कि जो अस्पतालों में बच्चे पैदा होंगे या जो लोग अपनी फैमिली प्लानिंग कराएंगे उन्हीं को पैसा दिया जाएगा। अब हौसला साझेदारी में ये तय हुआ है कि जो हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम है, अगर कोई वहां पर भी नसबंदी कराता है तो उसको भी वही धनराशि दी जाएगी जो कि सरकारी अस्पतालों में दी जाती है। तो इस तरह की प्रयास भी हो रहे हैं। सारथी नामक वैन चल रहा है 53 जनपदों में, जो प्रचार प्रसार कर रहा है फैमिली प्लानिंग का। बहुत सारे ऐसे प्रयास हो रहे हैं। मैं आपसे इतने ही कहना चाहती हूँ कि आज ये जो समाप्त एक जो खड़ा हुआ है आपके, आपको समर्पण हो रहा है, एक महिला और बाल चिकित्सा अस्पताल, इसके क्वालिटी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सभी डॉक्टर्स की होगी, चिकित्सकों की होगी, और निगरानी आपकी होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के जब अस्पताल पूरे प्रदेश में खड़े हो जाएंगे तो सुरक्षित मातृत्व भी होगा। और आपको तो मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने मातृत्व वंदना योजना शुरू करी है, और आपको जान के खुशी भी होगी कि 11 लाख हमारी माएं माताएं इस प्रदेश में इसका लाभ ले चुकी है। तो मैं बस यही कह के अपनी वाणी को विश्राम दूंगी कि एक परिवार तभी सुखी होता है जब उसमें स्वास्थ्य सही हो, और स्वास्थ्य
जननी और धुरी माता होती है, बेटी होती है, महिला होती है। महिला स्वस्थ होगी तो बच्चे स्वस्थ होंगे, शिशु स्वस्थ होगा तो फिर किशोर भी स्वस्थ होंगे, और सब स्वस्थ होंगे तो बुढ़ापा भी अच्छा निकलेगा। तो परिवार सारे जुटकर आप लोगों से निवेदन है कि भारत सरकार की और प्रदेश सरकार के इन प्रयासों में आप अपना संपूर्ण सहयोग दें, और निश्चित रूप से जैसे हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं और जैसा प्रयास और प्रयोग सफल होता नजर भी आ रहा है, दिख रहा है, बहुत रिक्तियां छोड़कर गए हैं सब लोग पिछली सरकारें, हम लोग तेजी से उन रिक्तियों को भरने की प्रयास कर रहे हैं। आज ही 11,000 रिक्तियों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का इम्तिहान हो रहा है, परीक्षा हो रही है, और आपको हम आश्वस्त कर रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार परीक्षा होगी तो निष्पक्ष होगी, बेमानी के बिना होगी, और योग्यता के आधार पर लोगों को नियुक्ति मिलेगी, और कहीं भी गलती होगी तो अदालत को बीच में नहीं आना पड़ेगा, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अदालतें सब कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए मैं आपको भी आगाह करती हूँ, किसी बिचौलिए पे मत जाइए, ये सरकार बसपा सपा की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसमें एक योगी मुख्यमंत्री है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार, और इसको समर्पित मुख्यमंत्री जी करेंगे इसका समर्पण, तो निश्चित रूप से इनके आशीर्वाद से बहुत ही सफल यहाँ पर आपका इलाज होगा। धन्यवाद, जय हिंद। सच में जैसा कि आदरणीय रीता जी ने अपना प्रस्तुतिकरण किया, किसी भी सरकार की चार विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य का इंतजाम कर दे, चलने के लिए सड़कें दे दे, शिक्षा का उचित प्रबंध हो जाए, विद्युत की व्यवस्था हो जाए। तो योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार निरंतर इन सभी दृष्टिकोणों से आगे बढ़ने का काम कर रही है। आज के इस अवसर पर जनपद का प्रभारी होने के नाते मैं आप सभी को बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से सभी जनपद के अधिकारीगण सौभाग्यशाली हैं कि गोरखपुर में उनकी तैनाती है। माननीय गोरखपुर में तैनाती होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अच्छर सा पालन करें, इस उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज एक खुशी का दिन है कि जो 4 साल या 3.5 साल पहले केंद्र सरकार से एक योजना मिली थी, वो योजना ये थी कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप 35 मातृ और शिशु के 100 सैया के आप अस्पताल बनाएंगे। आज उस दिशा में ये पहला लोकार्पण है जो कि गोरखपुर में किया जा रहा है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना थी कि 100 बेड के मातृ और शिशु अस्पताल अनेक जगह तैयार हो जाएं, और जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर जो मातृ और शिशु दर है, जो उत्तर प्रदेश की एक तरह से बिगड़ी हुई है, उसमें सुधार आ सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो पिछली सरकार थी उसमें इतना ध्यान नहीं दिया गया, मगर पिछले 2 साल के अंदर योगी जी की सरकार ने 35 ऐसे अस्पताल तैयार कर लिए हैं, जिसमें पहला लोकार्पण यहां पर हो रहा है, और फरवरी के अंदर हम लोग 20 और ऐसे अस्पतालों का लोकार्पण करने वाले हैं। तो ये इससे जो मातृ शिशु दर है, और जो मातृ है और शिशु दोनों का जो उपचार है, इलाज है, वो अच्छी तरह से हो सकेगा। साथ ही साथ क्योंकि ये अस्पताल के साथ और गोरखपुर के साथ, गोरखपुर मंडल या बस्ती मंडल और 38 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पे जेई और एईएस की भी बीमारियां हैं, ये अस्पताल उसमें भी योगदान देगा क्योंकि बेड की कैपेसिटी बढ़ रही है। लेकिन एईएस और जेई की जो लड़ाई है उसके अंदर भी योगी सरकार ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मगर 2-3 आंकड़े आपके बीच में रखना चाहता हूं। कहीं एईएस के कारण जो मृत्यु होती थी बच्चों की,
2017 और 2018 के बीच में जो गिरावट आई है वो 58% की गिरावट आई है। ये कोई साधारण चीज नहीं है और उसका कारण एक है। उसका कारण यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग को एक नोडल विभाग बनाया और जो अन्य विभाग हैं, 8 ऐसे और विभाग थे, उसको भी इसके साथ जोड़ा। क्योंकि खाली बच्चा अस्पताल में आए, उसका इलाज हो तो उससे ही काम नहीं होता है। प्रिवेंशन करना, रोकथाम करना भी आवश्यक है और उस रोकथाम के लिए अनेक विभाग आते हैं। नगर विकास आता है, ग्रामीण विकास आता है, पंचायती राज आते हैं, अनेक वहां पे स्वच्छता के काम, वहां पे जागरूकता के काम, शिक्षा, बेसिक शिक्षा विभाग भी आता है, वो सब कार्य वहां पे किए गए। और दस्तक कार्यक्रम एक इतना बड़ा कार्यक्रम था जिसको यूनिसेफ के माध्यम से किया गया कि 30 लाख घरों में 3 दफे प्रचार प्रसार के लिए उनको प्रोपेगेंडा के माध्यम से, उनको जागरूकता के माध्यम से वहां पे शिक्षित किया गया। और उसका कारण यह हुआ कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के अंदर कहीं 655 मृत्यु हुई थी, 2018 के अंदर खाली 250 ही मृत्यु हुई। तो जो गिरावट थी वो 400 की हुई है, कोई साधारण नहीं है। और कभी कभी हमारे विपक्ष लोग बोलते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, उनसे पूछो और वो जाके उन माताओं और पिता से पूछे कि वो जो 400 बच्चों की जो जान बची है उनके अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं। ये कार्य योगी सरकार ने यहां पर किया है। मैं आज मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम लोग 2019 की भी कार्य योजना का आपके बीच में रखने जा रहे हैं और मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि जो पिछले साल हम लोग ने रिजल्ट्स जो पाए हैं उससे कहीं बेहतर और रिजल्ट्स हम लोग पाएंगे। आपकी प्रेरणा से जो हम लोगों को कार्य करने की शक्ति मिलती है, आपका जो मार्गदर्शन मिलता है, वो आपने इस साल की शुरुआत में ही 2 दिन पहले आप उसकी बैठक भी ले चुके हैं। हम लोग आपके मार्गदर्शन के माध्यम से, आपकी प्रेरणा के कारण हम लोग इस साल भी पिछले साल से बेहतर रिजल्ट पाएंगे और इस लड़ाई को, जो आपकी एक कल्पना थी कि जेई और एईएस की जो लड़ाई है उसमें हम लोग जीते, जिसके लिए आपने आवाज भी 1990 में पार्लियामेंट में उठाई थी, वो लड़ाई जीतने का समय आ गया है। आप सबका हम लोगों को सहयोग चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शिलान्यास रिमोट द्वारा आपके द्वारा किया जा रहा है, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन करें। अब हम सब गोरखपुर वासी हो रहा है यह घड़ी के लिए आपका जो भी अनुभव रहा है उसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। जनपद गोरखपुर में विगत वर्षों में जो इंसेफेलाइटिस रोग से प्रभावित बच्चे थे, जो विकलांग हो जा रहे थे व जिनकी मृत्यु हो जा रही थी, उनकी संख्या में लगभग 75% कमी आपके प्रयास से आपने इस बीमारी को इतना महत्व दिया, आपने इतना काम किया है इस पर। आपसे प्रेरणा लेके, आपकी ऊर्जा देख करके हमें भी ऊर्जा मिलता है। और कहते हैं कि जिसका नेतृत्व एक कुशल संचालक कर रहा हो उस नाव को पार लगाने से कोई नहीं रोक सकता, और आज हमारे इस नाव को पार लगाने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। हम सब बहुत आगे जाने वाले, क्योंकि JEES एक ऐसी बीमारी है जो हंसते हुए को मिला के जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और गोरखपुर जिला चिकित्सालय में जिला महिला चिकित्सालय सौसैया की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई तथा सौसैया के 6 रोग सामान्य चिकित्सालय एवं मिनी PICU के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के
मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मातृ एवं शिशु कल्याण तथा पर्यटन की मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, सिंचाई मंत्री और गोरखपुर के प्रभारी मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, ससंत प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको मैं हृदय से यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। गोरखपुर की जब हम बात करते हैं तो गोरखपुर के साथ 9 जनपदों का एक कमल की पंखुड़ियों की तरह जुड़ाव सा है। कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, संत कवि नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर जनपद के चारों ओर ये सभी जनपद स्थित हैं। इसके अलावा गोरखपुर की स्वास्थ्य सुविधा पर न केवल गोरखपुर जनपद की 50 लाख की आबादी, अभी तो गोरखपुर और बस्ती, आजमगढ़ कमिश्नरी के इन जनपदों की आबादी के साथ ही पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल की तराई की एक बड़ी आबादी अपनी स्वास्थ्य सुविधा के लिए गोरखपुर पर निर्भर करती है। स्वाभाविक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण केंद्र जिसमें गोरखपुर और वाराणसी न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपितु तो बिहार की भी एक बड़ी आबादी की स्वास्थ्य की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने में जिस भूमिका का निर्वहन उन्हें करना है उसके लिए वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मुझे प्रसन्नता है कि एक साथ इन दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ ही PICU की जो नवजात शिशुओं के लिए ICU के लिए बहुत दिनों से मांग हो रही थी, इन सब के लोकार्पण के आज साथ ही गोरखपुर जनपद में दक्षिणांचल के कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के उच्चीकरण, उनमें PICU की स्थापना, ये सब आज एक साथ यहां पर लोकार्पित हो रही हैं। मैं इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपने मंत्रियों को, अधिकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूं कि एक समय सीमा के अंदर उन्होंने इन कार्यों को पूरा करवा करके आज आम जन की सुविधा के लिए इन्हें लोकार्पित भी किया जा रहा है। अक्सर होता है कि हम योजना तो बनाते हैं लेकिन योजना बनाने के बाद फिर उसे प्रारंभ करना और फिर प्रारंभ करने के बाद जो फिर उसमें उसके बाद की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, योजना बनने के बाद वो कभी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो पिछली सरकारों में विरासत में पिछली सरकारों ने जो छोड़ा था वह घुन कैसे व्यवस्था को अंदर अंदर खोखला बना रहा था कि योजना प्रारंभ होने के बाद फिर ठहर जाती थी रिवाइज एस्टिमेट के नाम पर।
और फिर कई बार रिवाइज एस्टिमेट होता था और ये अनावश्यक बोझ जनता की जेब पर पड़ता था। जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का उपयोग विकास के लिए होना चाहिए, न कि चंद लोगों की लूट खसोट के लिए। और उस बात को जब प्रभावी ढंग से लागू करने की बात आई तो स्वाभाविक रूप से पिछली सरकारों से जुड़े हुए उन लोगों को परेशानी ज्यादा होनी शुरू हुई जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बहुत मुस्तैदी के साथ इन कार्यों को एक समय सीमा के अंदर बिना किसी रिवाइज एस्टिमेट के उनको लागू किया। और केवल एक भवन ही नहीं बनाया बल्कि यहां पर चाहे वह गोरखपुर का यह मातृ एवं शिशु कल्याण का यह 100 शैया का केंद्र हो, PICU हो, या फिर क्षय रोग से जुड़े हुए चिकित्सालय को वेल इक्विप्ड करने के साथ साथ वहां पर जितने भी चिकित्सक चाहिए, जितना भी मानव संसाधन चाहिए, इन सब को एक साथ वहां पर उपलब्ध करा करके गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, बिहार और नेपाल से आने वाली एक बड़ी आबादी को भी एक बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए सभी संबंधित का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सबसे बड़ी बात है गोरखपुर का क्षय रोग चिकित्सालय का, आप सब जान सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तय किया 2030 तक दुनिया से हम क्षय रोग को समाप्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम उससे 5 वर्ष पहले ही भारत से इसको समाप्त करेंगे। और भारत से समाप्त करना है तो स्वाभाविक रूप से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को इसमें सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करना होगा। उत्तर प्रदेश जिसके बारे में लोग कहते थे कि जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं ये योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए लागू होने में दिक्कत है क्योंकि एक बड़ी आबादी का 23 करोड़ की आबादी, यहां की बिगड़ी हुई मशीनरी, यहां पर कार्य न करने की पिछले 15-20 वर्षों की बुरी आदतें, इसके कारण लोग कार्य नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन विगत 1.5-2 वर्ष के दौरान सरकारें कैसे चलती हैं और कैसे परिणाम आ सकते हैं, आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जितने भी फ्लैगशिप की स्कीम है, वह प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, स्वच्छ भारत मिशन का हो, सौभाग्य योजना का हो, आयुष्मान भारत का हो, या फिर किसी भी अन्य योजना में, उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका में सामने आया है। और उत्तर प्रदेश ने साबित किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भरपूर प्रतिभा है, अपनी ऊर्जा है और नेतृत्व करने की क्षमता उत्तर प्रदेश के नागरिकों में है। और आज यही कारण है कि स्वच्छ भारत मिशन में अकेले उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्र में 2,60,00,000 शौचालय बनाए, अकेले गोरखपुर जनपद में 5,00,000 से अधिक शौचालय बनाए गए। अनुमान करिए ये 5,00,000 परिवारों को अकेले गोरखपुर के अंदर न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए अपितु नारी गरिमा के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने युद्ध स्तर पर लग करके इतनी बड़ी मात्रा में इन शौचालयों का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नारी की गरिमा के साथ साथ प्रत्येक बच्चे का और प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की प्राथमिक व्यवस्था इसके माध्यम से की। इस समय हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर 11,00,000 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्र में 11,00,000 परिवारों को दे चुके हैं और शहरी क्षेत्र में 8,60,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध किया जा चुका है। अनुमान करिए मेरे साथ अभी परसों भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री थे, वो मुझे आंकड़े दे रहे थे। उन्होंने कहा था जब हमने योजना प्रधानमंत्री जी ने जून 2015 में प्रारंभ की थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर जून 2015 से लेकर के मार्च 2017 तक मात्र 20,000 आवास स्वीकृत किए गए थे, केवल 20,000 आवास। और मार्च 17 से लेकर के दिसंबर 18 तक हम लोगों ने 8,60,000 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पिछली सरकारों ने
2014 से लेकर के 2017 तक मात्र 63,000 आवास बनाए, और इसी दौरान मार्च 2017 से लेकर के दिसंबर 2018 तक हम लोगों ने 11 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया। पिछली सरकारों ने निःशुल्क विद्युत कनेक्शन एक भी व्यक्ति को नहीं दिया था, हमारी सरकार ने आने के बाद 94 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। कार्य की स्पीड क्या होनी चाहिए हर एक क्षेत्र में देखी जा सकती है। विद्युत वितरण की दुर्व्यवस्था पिछली सरकारों में, गोरखपुर के लोग और पूर्वांचल के लोग तो मेरे साथ आंदोलन भी करते थे, सड़कों पर बिजली नहीं मिलती थी, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा गांव में तो कई दिनों तक, सप्ताह तक, 15 दिन तक, एक एक महीने तक बिजली नहीं मिलती थी। आज विद्युत की वितरण की व्यवस्था केवल गोरखपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत की यही व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है, जो गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो रही है। बिना भेदभाव के विद्युत की सुविधा का उपयोग प्रदेश का प्रत्येक नागरिक कर सके, आज सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, इसको पूरी दृढ़ता के साथ अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी इसी अभियान का हिस्सा है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ विगत 20 वर्षों से मेरे साथ चल इस आंदोलन में आप सबने बराबर की भूमिका का निर्वहन किया। सड़क से लेकर संसद तक लड़ी गई इस लड़ाई में आपकी बड़ी भूमिका थी, और उस भूमिका के फलस्वरूप आज गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े अभी सिद्धार्थनाथ सिंह जी दे रहे थे, जो आंकड़े प्रोफेसर रीता बोगड़ा जोशी जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया, यह आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि व्यापक परिवर्तन हुआ है, और व्यापक परिवर्तन करने की ओर अग्रसर हम सब हुए हैं। आज गोरखपुर में हमने 100 बेड का या मातृ एवं शिशु कल्याण का यह हॉस्पिटल यहां पर हम लोकार्पित कर रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के वेल फर्निश हो चुका है, इसमें चिकित्सकों की नियुक्ति हो चुकी है, मैं भी देखा हूं कलर डॉपलर दो दो रखे गए हैं, हर प्रकार के एक्सरे की सुविधाएं यहां पर दी गई, हर प्रकार की सुविधाएं यहां पर देने की व्यवस्था की गई है। बाल रोग विशेषज्ञ, महिला और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, इसमें फिजिशियन भी तैनात किए गए हैं, इसमें अन्य एनेस्थेटिक भी तैनात किए गए हैं, पैरामेडिकल के सभी स्टाफ की तैनाती की गई है, और फिर इसको संचालित किया जा रहा है। नवजात शिशुओं के लिए जो आईसीयू बनता है उसका निर्माण अलग से, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बोझ को हम कम कर सके, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हमने सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विगत 1.5 और 2.25 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन हुआ है वो सबके सामने है। भारत सरकार के सहयोग से 8 नई सुपर स्पेशलिटी हम लोग फरवरी में लोकार्पित कर देंगे, 8 नए सुपर स्पेशलिटी अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में खुल रही है। बाल रोग का एक नया संस्थान वहां बनकर के तैयार होने जा रहा है। इसी प्रकार से वहां पर इंसेफ्लाइटिस के वार्ड में, चाहे वह वेंटिलेटर्स की नई आपूर्ति करने का रहा हो, वार्मर्स का हो, या फिर और भी जो भी सुविधाएं हो सकती थी, ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जहां दी, वहीं रीजनल वायरोलॉजी सेंटर की स्थापना भी भारत सरकार के सहयोग से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। किसी भी प्रकार के भीषाणु जनित बीमारी के पहचान और फिर उसके अनुसार उपचार की सुविधा गोरखपुर में उपलब्ध होगी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज उसका केंद्र बनेगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से गोरखपुर में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। एम्स का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, हम लोगों का प्रयास है कि हम इसी फरवरी मार्च से प्रयास किया जा रहा है कि ओपीडी भी एम्स की हम प्रारंभ कर सकें। एम्स की ओपीडी के लिए दिल्ली, जोधपुर, लखनऊ और अन्य स्थानों से एक प्रयास प्रारंभ किया जा रहा है कि डॉक्टर आना प्रारंभ करें। इसी के लिए गोरखपुर में इतनी वायु सेवाएं प्रारंभ की गई हैं, दिल्ली से 3-3 सेवा है, बेंगलोर से है, अभी कोलकाता, मुंबई और काठमांडू से भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। ये सुविधाएं अधिक से अधिक लोगों की पहुंच गोरखपुर तक हो, और गोरखपुर के लोगों की पहुंच, पूर्वांचल के लोगों की पहुंच बाहर तक हो, इसलिए सुविधाएं यहां पर इस स्तर पर की दी जा रही हैं।
आज यह कार्यक्रम यहाँ जहाँ प्रारंभ हो रहा है, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि नोडल विभाग के रूप में इस विभाग ने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ विगत 1.5 वर्ष के दौरान जो बेहतर अभियान चलाया है उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आंकड़ों में बहुत नहीं जाना चाहूंगा, आंकड़े आपके सामने हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने रख दिए हैं, लेकिन ये तथ्य इस बात को प्रमाणित करता है कि यह अभियान विगत वर्ष भी चला था और इस वर्ष पुनः हम लोगों ने यह अभियान प्रारंभ किया है कि 10 फरवरी से 28 फरवरी तक 10 तक अभियान जैसा, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका एक नोडल विभाग होगा, साथ साथ चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, महिला और बाल विकास, बेसिक शिक्षा, ये सभी विभाग मिलकर के एक साथ अभियान चलाएंगे। 25 फरवरी से जापानी इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीनेशन की कार्रवाई फिर से प्रारंभ होने जा रही है, वृहद स्तर पर होगा, जो बच्चे छूटे हैं उनको भी हम वैक्सीन लगाएंगे और इसके साथ ही पहले चरण के कार्यक्रम को 18-20 दिन का ये पहला चरण का अभियान होगा, इसके बाद द्वितीय चरण का अभियान फिर हम लोग 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में इसको चलाएंगे। तीसरे चरण के अभियान को 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में चलाएंगे। इस अभियान में अगर आम जन जागरूक हो जाए स्वच्छता के प्रति, शुद्ध पेयजल के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, जो शौचालय बनाए गए हैं उनका उपयोग करने के साथ साथ उनको स्वच्छ रखें, तो मेरा यह दृढ़ विश्वास है न केवल इंसेफ्लाइटिस अपितु तो कालाजार, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, ये जितने भी इस प्रकार की बीमारियां, इन सबको हम पूरी तरह समाप्त करने में सफल हो सकते हैं। इसमें केंद्र प्रदेश सरकार तो आपके साथ है ही, इन अभियानों में आप सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना, अपने नवजात शिशु को बचाना, नौनिहाल को बचाना, उसके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना। बीमारी अगर हो गई है, पहले तो बीमारी ना हो इसके प्रति सावधानी बरतना, लेकिन अगर बीमारी हो गई है तो बिना किसी लापरवाही के सीधे संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या जिला चिकित्सालय में लेकर के जाकर के डॉक्टर की राय लेना, उपचार की व्यवस्था करना, और अगर आपको लगता है कि वहां पर कहीं भी भारत बिगड़ रही है तो डॉक्टर स्वयं ही उन्हें ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में रिफर कर देंगे। ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में भी सारी सुविधाएं हम लोगों ने उपलब्ध कराई हैं। प्रशिक्षण के कार्यक्रम न केवल डॉक्टर के, स्टाफ नर्स के, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल का स्टाफ, इन सब के प्रशिक्षण के कार्यक्रम इस बार फिर से होंगे। बृहद अभियान पर प्रभात फेरियां निकलेंगी, जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम निकलेंगे, कार्यशालाएं चलेंगी, स्वच्छता के बृहद अभियान चलेंगे। इस अभियान में आम जन की सहभागिता इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और मुझे विश्वास है कि यह जो अभियान है, यह अभियान प्रत्येक नागरिक का अभियान बनना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन जैसे देश के अंदर एक आंदोलन बन चुका है, हर एक नागरिक इसके साथ जुड़ा है, ऐसे ही हम लोग इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ या विषाणु जनित बीमारियों के खिलाफ भी हम इसी तत्परता के साथ जुड़े, जिससे इन बीमारियों का उन्मूलन हो सके और हम अपने मासूम बच्चे को किसी भी जानलेवा बीमारी से बचा सकें। समय समय पर विभाग के द्वारा जो लगाए जाने वाले टीकाकरण के अभियान है, हम न केवल अपने बच्चे को उस टीके के साथ जोड़े, अभी तो अपने आसपास पड़ोस में हमारे मित्रगण होंगे, नातेदार रिश्तेदार होंगे, उन लोगों को भी बताएं कि अपने बच्चे को समय पर टीका लगवा लें, गर्भवती महिलाओं को समय पर टीकाकरण लगवाएं, जिससे हम दोनों को, जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ रख सकें। क्योंकि एक जो स्वस्थ मां है, एक स्वस्थ जो बच्चा है, यह देश की धरोहर है और उसको उस रूप में प्रस्तुत करना, उस रूप में समाज का संबल मिलना एक बड़ी बात हो सकती है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः, जब यहां पर इतने कार्यों का लोकार्पण एक साथ हो रहा है, बड़ा कार्य आज यहां गोरखपुर के और पूर्वांचल के वासियों को प्राप्त हो रहा है, इसमें यहां पर जो 100 शैया का मातृ शिशु स्वास्थ्य की इकाई
आज लोकार्पित की गई है। 16 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से यह बनकर के तैयार हुआ है। इसमें सारी सुविधाएं 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 2 बाल रोग विशेषज्ञ, 1 पैथोलॉजिस्ट, 1 एनेस्थेटिक, 2 ओटी टेक्नीशियन, 6 लैब टेक्नीशियन, 3 नर्सिंग सिस्टर, 24 स्टाफ नर्स की नियुक्ति अकेले इस संस्थान के लिए यहां पर की गई है। इसी के साथ ही 100 सैया का जो 6 रोग से जुड़ा हुआ सामान्य चिकित्सालय है, ये 20 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है और इसमें भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था इसके साथ जोड़ी है। इसमें चेस्ट फिजिशियन है, बाल रोग विशेषज्ञ है, पैथोलॉजिस्ट है, चर्म रोग विशेषज्ञ है, रेडियोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, एनेस्थेटिक है, जनरल सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ENT सर्जन है, नेत्र सर्जन है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सभी को उनके साथ जोड़ा जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम यहाँ के नागरिकों को उपलब्ध कराने की दिशा में एक बेहतर प्रयास जहाँ किए जा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ उरवा में वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का, जिसमें 4 करोड़ 18 लाख 61 हजार रुपए की लागत से यह बनकर के तैयार हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में 45 लाख रुपए की लागत से MRI मशीन की स्थापना यहां पर की गई है। इसके साथ ही जिला पुरुष चिकित्सालय में 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित मॉडुलर OT की स्थापना भी यहां पर की जा रही है, यहां पर की गई है। ये सभी सुविधाएं यहां से न केवल गोरखपुर अपितु पूर्वांचल के लोग और बिहार और नेपाल से जुड़े हुए लोग भी इन सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को इन पूरे अभियान को आम जन की सेवा के साथ जोड़ने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं। आप सबको इन उपलब्धियों के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।